मनुष्य को जहाँ शक करना चाहिए वहाँ नहीं करता, और जहाँ नहीं करना चाहिए वहाँ करता है। आज क्या पति बीवी पर शक करता है, बीवी पति पर शक करती है? शक कुछ ऐसे भी हैं जो बच्चों पर शक करते हैं, पढ़ेगा नहीं पढ़ेगा, पास होगा नहीं होगा, फेल होगा, बड़ा आदमी बनेगा नहीं बनेगा, अफसर बनेगा नहीं बनेगा, शक। तो बात है शक को समझाने की। शक ज्ञान के संबंध में, ज्ञान के संबंध में भी लोग शक करते हैं, मेरे भीतर भगवान है या नहीं है, ये भी शक है लोगों को। जिस चीज पर शक नहीं करना चाहिए मनुष्य उस पर भी शक कर रहा है, उस पर शक करता मेरे भीतर भगवान है या नहीं है। अगर भगवान मेरे भीतर है तो मेरी बात क्यों नहीं सुनता है, मेरी सुनता क्यों नहीं है? और भगवान मेरे भीतर है तो मेरी मनोकामना पूरी क्यों नहीं करता है? भगवान तो तुम्हारे आगे भी है, पीछे भी है, सब जगह पर है, लेकिन जो सबसे बड़ी बात है उसको महसूस करने की, अनुभव। जो अनुभव है जब तुम अंतर्मुख होते हो तो उसको महसूस, उसका अनुभव करने की जरूरत है उसको। अब शक क्या होता है, मनुष्य और उसका शक क्या है, इसको समझना है। एक बार अकबर की पत्नी ने कहा कि तुम अकबर से कि आप जो हैं बीरबल को बहुत सर चढ़ाते हैं, उसको बहुत मुंह लगा रखा है, उससे ज्यादा बुद्धिमान मेरा भाई है, तुम उसको कोई पद दो, ऊंचा पद दो। तो अकबर ने कहा नहीं रानी साहिबा, इसी बात नहीं है, बीरबल बहुत अच्छा है, बहुत दिमागी है, बुद्धिमान है। तो रानी साहिबा कहने नहीं मुझे ये सब कुछ नहीं मालूम, आप मेरे भाई को ऊंचे पद पर रखिए और बीरबल को हटाइए। तो अकबर ने कहा ठीक है, लेकिन कैसे उसको हटाएं, उसके लिए तो तुमको कुछ उसको दिमाग में हराना पड़ेगा तभी तो उसको हटा पाएंगे। तो रानी ने कहा कि ठीक है, मैं महल में जाती हूँ, अंदर रहूँगी, और आप मुझे बगीचे में बुलाना, और मैं बगीचे में आऊँगी नहीं, और बीरबल से कहना कि तुम्हें रानी साहिबा को लेकर आना है, और जब मैं आऊँगी ही नहीं तो वो हार जाएगा सर। तो अकबर ने कहा सोच लीजिए आप। रानी ने कहा हमने सोच लिया है, आप बीरबल को मेरे महल में भेजिए और मुझको बुलवाइएगा, मैं आऊंगी नहीं, और बीरबल सर हार जाएगा, और बीरबल को आप हटा दीजिएगा। अकबर ने कहा ठीक है। अकबर ने रानी साहिबा अपने महल में गई और अकबर ने बीरबल को बुलाया और बताया कि ऐसी ऐसी बात है। बीरबल को बताया कि रानी साहिबा को तुम्हें यहाँ लाना है बगीचे में और वो आएंगी नहीं। तो बीरबल ने कहा इसमें जहाँ पना कोई दिक्कत की बात नहीं है, वो आएंगी और निश्चित तौर पे आएंगी। बीरबल गया महल पर और जो दरबारी था उसको एक सोने की असरफी दी और कहा कि जब मैं अंदर जाऊँ तो तुम मेरे कान में थोड़ा सी बातें धीमे धीमे कहना, और इस तरह से कहना कि रानी साहिबा को सुनाई पड़ जाए। तो बीरबल गया अंदर और उसने कहा कि रानी साहिबा महाराज जो हैं बाहर बगीचे में टहल रहे हैं, बाहर का मौसम बहुत खूबसूरत है, बहुत अच्छा है, और वो चाहते हैं, बस इतना उसने कहा। और दरबारी आकर बोला कि हाँ वो बहुत खूबसूरत है। तो बीरबल ने कहा अच्छा वो बहुत खूबसूरत है, हाँ। तो बीरबल ने कहा ठीक है रानी साहब आप रहने दीजिए, आपको वहाँ जाने की ज़रूरत नहीं है। बीरबल इतना कहकर अकबर के पास बगीचे पर आ गया। तो अकबर ने पूछा रानी साहिबा कहाँ है? बीरबल ने कहा अभी एक मिनट में आती होंगी। देखा एक मिनट में पीछे से वो दौड़ी चली आ रही हैं। देखा तो कोई नहीं, अकबर के साथ कोई नहीं, कोई खूबसूरत नहीं। तो बात है शक की, और जब शक हो जाएगा तो तुम
अपने भीतर बैठे उस अविनाशी को, जो भीतर विराजमान परमात्मा है, उसके दर्शन नहीं कर सकोगे। बात है शक की, मनुष्य और उसका शक क्या है, इस कहानी से आपको कुछ समझ में आया हो। मनुष्य को जहां शक करना चाहिए वहां नहीं करता है। एक छोटी कथा कहता हूं, शायद आपको ये बात समझ में आए। एक मंदिर था और मंदिर के पीछे घाट था, पानी भरा हुआ था। वहां पर धोबी जो है अपने गधे को लेकर आता था, तो गधा, एक दिन पंडित जी थे मंदिर के अंदर, उन्होंने शंख बजाया और उसी समय गधा भी रेंकने लगा। पंडित जी को लगा कि कोई बाहर है और उसने मेरे साथ साथ कोई शंख बजाया है। पंडित जी बाहर निकले तो उन्होंने धोबी से कहा कि अभी किसी ने यहां शंख बजाया है। धोबी थोड़ा मजाकिया किस्म का आदमी था, उसने कहा शंखेश्वर महाराज आए थे और उन्होंने शंख बजाया है। पंडित जी ने कहा हम शंखेश्वर महाराज से मिलना चाहते हैं। धोबी ने कहा कि वो बहुत प्राइवेट किस्म के आदमी हैं, इतनी जल्दी उनसे आप मिल नहीं पाएंगे। तो पंडित जी ने सोचा कि प्राइवेट किस्म के आदमी, तब जरूर मिलना पड़ेगा उनसे, बहुत मतलब उनके दर्शन भी मिलना कठिन है, इसका मतलब बहुत पहुंचे हुए होंगे। पंडित जी ने कहा कि तब तो हमें मिलने के लिए तैयार होना चाहिए। पंडित जी दौड़े दौड़े गए बाजार की तरफ, नया कुर्ता लेने, नया धोती लेने, ताकि शंखेश्वर महाराज से मिलने से पहले अच्छी तैयारी हो सके। पंडित जी दौड़े दौड़े बाजार जा रहे थे, रास्ते में दरोगा जी मिल गए। उन्होंने कहा कहाँ जा रहे पंडित जी? पंडित जी ने बताया कि शंखेश्वर महाराज आए हैं अपने गाँव में और हम उनसे मिलने के लिए नया धोती कुर्ता खरीदने जा रहे हैं। दरोगा जी ने कहा भाई हम भी शंखेश्वर महाराज के दर्शन करेंगे, हम भी अपनी ड्रेस वगैरह सही कर ले। मैं तो गए वो अपनी जहां पर उनका ऑफिस, वहां पर उन्होंने अपना सब तैयारी यारी करी, एकदम सब फिट फाट अपनी ड्रेस करी। तो सिपाही बोले कि कहाँ जा रहे हैं आप? तो बोले कि शंखेश्वर महाराज आ रहे हैं, पंडित जी भी उनके दर्शन के लिए जा रहे हैं। और सिपाहियों ने बताया गाँव में कि गाँव में शंखेश्वर महाराज पधारे हुए हैं। तो गांव के सभी लोग तैयारियां करने लगे। 5 दिन प्रक्रम चला शंखेश्वर महाराज को ढूंढने का। धोबी तो मजाकिया आदमी था, उसने किसी को नहीं बताया। 5वें 6वें दिन उसका गधा रेंक रहा था, रेंक 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 के करके उसकी मृत्यु हो गई। अब धोबी क्या करे? धोबी ने घाट के पास गड्ढा खोदा और गड्ढे में गधे को गिरा दिया और उसके ऊपर मिट्टी लाद दी। अब पूछा गया शंखेश्वर महाराज किधर हैं, किधर हैं? सब ढूंढने लगे तो धोबी ने बताया इधर हैं, इसके नीचे हैं। लोगों का उन्होंने बताया कि शंखेश्वर महाराज तो बूढ़े थे, सिधार गए, पधार गए वो। तो दुनिया इस तरह से है। तो जहां शक करना चाहिए वहां शक नहीं कर रही है, और जहां शक नहीं करना चाहिए वहां शक करती है। भगवान परमात्मा तुम्हारे भीतर विराजमान है, तुम्हारे हृदय में विराजमान है। और ये बात आज की नहीं है, ये बुद्ध के समय से है और उससे भी पहले से है। और बुद्ध ने लोगों को एक मार्गदर्शन किया, एक विधि दी कि तुम अपने भीतर अविनाशी को, उसको पहचानो। उन्होंने ईश्वर का उच्चार नहीं किया, लेकिन बुद्ध परम आस्तिक है। इसीलिए तो पश्चिम के दार्शनिक ने कहा है सो गॉडलेस सो गॉड लाइक, इस जैसा ईश्वरीय व्यक्ति और इस जैसा ईश्वर विरोधी व्यक्ति पूरी पृथ्वी पर एक साथ पाना कठिन है। ये तो कहा है। तो कहने का मतलब, और भी जितने संत महात्मा हुए उन सब ने यही बात कही कि घट में है सूझे नहीं, लानत ऐसी जिंद, तुलसी है संसार को भयो मोतिया बिंद। घट में है सूझे नहीं,
लोग पड़े हुए हैं, कोई कुछ बताता है, कोई कुछ बताता है, कोई कुछ बताता है, कोई किसी के पास जा रहा है, कोई किसी के पास जा रहा है, लोग किसी के पीछे पड़े हैं, कोई उसके पीछे पड़ा, कोई उसके पीछे पड़ा है। और हम कहते हैं तुम मेरे पीछे मत पड़ो, तुम अपने पीछे पड़ो, और जब तुम अपने पीछे पड़ोगे तो वो तुम्हें मिल जाएगा। मेरे पीछे पड़ने की बात नहीं है, तुम अपने पीछे पड़ो। बुद्ध ने इसी बात को अपनी भाषा में कहा, उन्होंने कहा अप दीपो भव, अपने दीपक स्वयं बनो, अप दीपो भव। अब दुनिया है, कोई उसके पीछे भाग रहा, कोई कुछ कह रहा, कोई कुछ बताता, कोई कुछ बताता है, और लोग हैं भेड़ चाल में उसके पीछे पीछे चल रहे हैं। बुद्ध ने तो बहुत पहले ही कह दिया कि अपने पीछे पड़ोगे तो एक दिन पा जाओगे, और दूसरे के पीछे पड़ोगे तो कभी ना पाओगे और अपने से दूर हो जाओगे। नमो बुद्धाय।